Welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, HS Khanna Girls Free College, University of Allahabad. और हम लोग बातचीत कर रहे हैं. आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें कि हम लोग बिहेवियरिज्म में प्योर बिहेवियरिस्ट की ये लास्ट थ्योरी है. हमने थॉर्नडाइक थ्योरी पढ़ ली है, हमने पावलोव्स की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ ली है, और अब हम स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी प्योरली सोलली पढ़ने जा रहे हैं. हम बीएफ स्किनर को पढ़ लिया है, हम इसका मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग को थोड़ा बहुत जानते हैं. हमने रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के कंसेप्ट को समझ लिया, इसका मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग का जिस्ट हम समझ गए हैं. अब हमको मेन ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, स्किनर साहब ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या निकाले, क्या उसके मेन प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी बातें समझेंगे. ओके, लेक्चर हमेशा की तरह बाइलिंगुअल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक से तो कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है एजुकेशन, साइकोलॉजी और इन सब चीजों का जिनसे प्रश्न ना पूछे जाए. तो जरूर आपको इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए. ओके, शुरू करते हैं. ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? Sometimes referred to as instrumental conditioning. तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि operant conditioning को किस और नाम से जानते हैं, या वो पूछेगा कि इनमें से कौन operant instrumental conditioning कहलाता है. operant conditioning, classical conditioning, कोई और जोड़ दिया, इनमें से कोई नहीं, दोनों ऐसे करके. तो हमको operant conditioning instrumental conditioning के नाम से भी जानी जाती है. इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट एम्प्लॉयज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर. ये हमने पढ़ लिया है, जान लिया है कि जब ऑर्गेनिज्म को इनाम मिलता है, कुछ उसकी पढ़ाई होती है, तारीफ मिलती है, प्रशंसा मिलती है, तो वो बिहेवियर वो सीख जाता है, और जिस बिहेवियर के लिए उसको पनिश किया जाता है वो बिहेवियर वो नहीं दोहराता है. थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन एसोसिएशन इज मेड बिटवीन अ बिहेवियर एंड ए कॉन्सिक्वेंस फॉर दैट बिहेवियर. यानी कि यहाँ पे एसोसिएशन किसके किसके बीच में बन रहा है, व्यवहार और उस व्यवहार का जो परिणाम मिल रहा है उनके बीच में एसोसिएशन बन रहा है. तो व्यवहार का परिणाम अगर गुड है, बढ़िया है, पॉजिटिव है, तो वो व्यवहार रिपीट करता है कौन, ऑर्गेनिज्म. और अगर उस व्यवहार के बाद जो कॉन्सिक्वेंस है वो बैड है, पनिशिंग है, थ्रेटनिंग है, एनोइंग है, तो वो उस व्यवहार को नहीं करता है. इतनी सी बात है. स्किनर यूज द टर्म ऑपरेंट एज अ रेफरेंस टू एनी एक्टिव बिहेवियर दैट ऑपरेट्स अपॉन द एनवायरमेंट टू जनरेट कॉन्सिक्वेंसेस. पहले तो उन्होंने ऑपरेंट को ही डिफाइन किया है, तब वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे आए, और वो बता रहे हैं कि क्यों क्लासिकल कंडीशनिंग से ये थ्योरी भिन्न है. देखिए, हमको हर थ्योरी की विशिष्टता जानना जरूरी है कि कहाँ थॉर्नडाइक पावलोव से भिन्न है, कहां पावलोव स्किनर से भिन्न है, क्योंकि सब बिहेवियरिज्म को ही फॉलो कर रहे हैं. स्किनर यूज द टर्म ऑपरेंट, वो ऑपरेंट किसको कहते हैं, एनी एक्टिव बिहेवियर. ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिवली बिहेव करता है, जबकि पावलोव क्या कहते हैं, पावलोव कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में, वो चुपचाप है, वो कुछ नहीं कर रहा है, जब उसको स्टिमुलस मिलता है तब वो रिस्पॉन्स करता है. यही एक बात है जहां पे स्किनर पावलोव वो काटते हैं, मतलब उनको क्रिटिक है उनके. वो कहते हैं नहीं, इतना साधारण जीव नहीं है कि वो एकदम शांत अवस्था में रहता है और स्टिमुलस का इंतजार करता है रिस्पॉन्स देने के लिए. वो कह रहे हैं कि एनी एक्टिव बिहेवियर वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता रहता है एनवायरमेंट के प्रति, दैट ऑपरेट्स अपॉन द एनवायरमेंट. यानी कि जो इंडिविजुअल है वो एनवायरमेंट पर काम करता है टू जनरेट कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि परिणाम की उत्पत्ति हो सके. Operant conditioning is any action that has been followed by reinforcement. वो कह रहे हैं कि operant conditioning ऐसा कोई भी action operant conditioning है जो कि उसके बाद reinforcement उसको मिले, whether positive or negative. ये हमने बात कर ली है कि positive हो या negative हो, reinforcement का मतलब है कि वो उसको उसकी अच्छाई के लिए काम कर रहा है. Will be strengthened, वो मजबूत किया जाएगा. And it is highly likely that particular action will be repeated again in the future. अगर उसको positive reinforcement आप या negative reinforcement किसी भी तरीके का reinforcement दे रहे हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि वो उस व्यवहार को भविष्य में फिर दोहराएगा. ठीक है, हिस्ट्री, अगर इसका इतिहास जाने तो बिहेवियरिस्ट बीएफ स्किनर ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया, विच इज व्हाई आल्सो कॉल्ड एज स्किनेरियन कंडीशनिंग. मतलब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, स्किनेरियन कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है. एज अ बिहेवियरिस्ट स्किनर साहब ने क्या बताया, ही सजेस्टेड, उन्होंने हमको समझाया, सुझाया कि वी शुड लुक ओनली एट द एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कॉजेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. वो कह रहे हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के व्यवहार के ऑब्जर्वेबल कॉजेज को देखना है. ये बात, इस बात में थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर तीनों समान है.
His theory was heavily influenced by the work of psychologist Edward Thorndike. मैं आपको Thorndike बता रही थी तभी मैंने कहा था कि इनका जो law of effect वाला नियम है उसी को base मान के Skinner साहब अपनी operant conditioning बताते हैं. Who had proposed what he called the law of effect. आगे बात. According to this principle, actions that are followed by desirable outcomes are more likely to be repeated, while those followed by undesirable outcomes are less likely to be repeated. यानी कि Thorndike क्या कह रहे थे? अगर हमको बढ़िया outcome मिलता है तो व्यवहार करता है. लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? परिणाम, मतलब उसका आफ्टर इफेक्ट क्या मिल रहा है, और अगर हमको अनडिजायरेबल आउटकम मिलता है तो उसको रिपीट नहीं किया जाता. यहीं से उन्होंने क्लू लिया स्किनर साहब ने और अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग बनाई, और यहाँ पे उसको रीइंफोर्समेंट नाम दे दे रहे हैं. इतना अंतर है. सॉरी, एक्सपेरिमेंट क्या किया स्किनर ने, प्रयोग क्या किया, क्या किया? He created a device known as an operant conditioning chamber. पहले उसको operant conditioning chamber नाम दिया गया था, बाद में उसको Skinner box नाम दे दिया गया. Often referred to widely as the Skinner box. Now, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि Skinner साहब Skinner box के लिए भी जाने जाते हैं. मतलब इनका ये जो apparatus है वो कोई एकदम अति साधारण नहीं है, बल्कि विशिष्ट apparatus है, और आज भी psychology के experiments में use किया जाता है. This could hold a small animal such as a rat or pigeon. मतलब इतना बड़ा है कि कम से कम उसमें एक छोटा जीव आ जाए. दिस बॉक्स ऑल्सो कंटेन्ड अ बार और की. उसमें एक लीवर या बार या की, एक ऐसी कुंजी ऐसा कुछ बना है जिसको कि प्रेस करने से या छूने से या टच करने से वो खुल जाएगा, या उसको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, उसको एस्केप का रास्ता मिल जाएगा, या उसको कुछ भोजन मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का. दैट द एनिमल कुड प्रेस इन ऑर्डर टू रिसीव अ रिवॉर्ड. मतलब किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड उसको मिलेगा जैसे ही वो लीवर को टच करेगा. इन ऑर्डर टू ट्रैक रेस्पॉन्सेज, उसने ये देखा स्किनर ने, ये कोशिश की कि हम रिस्पॉन्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं बिल्कुल एकदम सही सही उसका रिकॉर्ड रखने के लिए. उन्होंने एक और डिवाइस बनाई जिसका कि भी मैं जिक्र पहले आपसे कर चुकी हूँ. क्या है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर. Device recorded responses as an upward movement of time so that response rates could be read by looking at the slope of the line. लेकिन जो line की slope है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, उससे ही हमको पता लग जाए कि किस तरीके से वो response कर रहा है organism. तो दो चीज, दो important यहाँ पे concept हैं, Skinner box और cumulative recorder. दोनों Skinner साहब बना रहे हैं और experiment कर रहे हैं rat या pigeon. एक्सपेरिमेंट उनका वही है कि पिजन जो है वो उसको कोई स्टिमुलस थोड़ी दिया, वो अपना ऐसे 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 कर रहा है उस बॉक्स में, और जैसे ही लीवर पे उसका हाथ पर मतलब अपना वैसे पंजा बांधता है, अपना वो पैर रखता है, तो उसको कुछ दाना कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो बढ़िया उसके खाने की चीज है, वो खा लेता है, तो वो समझ जाता है कि इफेक्ट क्या हुआ, उसको बढ़िया इफेक्ट मिल गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया, तो वो बार बार उसको दोहराता है. ट्रायल एंड एरर की बात नहीं कर रहे हैं जैसा कि Thorndike कह रहे थे. कॉम्पोनेंट्स ऑफ ओसी, ऑपरेंट कंडीशनिंग के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? री इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, पनिशमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं. बात किसकी करेंगे? सिर्फ शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट. जब मैं आपको बी एफ स्किनर बता रही थी तो मैंने ये बताया था कि शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट भी एक इंपॉर्टेंट आउटकम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का. हमको सिर्फ ये नहीं करना है कि किसी का बढ़िया हम कोई जो बिहेवियर शेपिंग है हम उसको आकार देना चाहते हैं, तो जब उसने बढ़िया काम किया रिवॉर्ड दिया, जब बढ़िया काम किया रिवॉर्ड दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है. रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट देने के भी तरीके हैं. या तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट आप कर दीजिए, मतलब हर बार जब वो सही उत्तर दे रहा है रीइंफोर्समेंट, जब सही उत्तर दे रहा है कोई ना कोई रिवॉर्ड. वो कह रहे हैं कि आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो या वेरिएबल इंटरवल. अब इसको समझते हैं ये क्या है, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल. और अभी क्या है कंपोनेंट्स ये भी देख लें फिर आगे समझते हैं. बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन. इसको अगर क्लासरूम सेटिंग में हम रखना चाहें तो यही निकल के आता है कि छात्र के व्यवहार का रूपांतरण किया जा सकता है रीइंफोर्समेंट देके या पनिशमेंट देके. तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में दो कंसेप्ट आते हैं, टोकन इकोनॉमी और बिहेवियर शेपिंग. इसके अलावा जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जिसमें से कि जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी पढ़ा है. मेन हमको क्या पढ़ना है? शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन. ओके, तो अब आ जाते हैं. अच्छा, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, यही बता रही हूं. शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में फिक्स्ड रेशियो, यानी कि हम एक रेशियो फिक्स कर लेंगे कि इतने सही, मान लीजिए 10 सही या 5 सही प्रतिक्रियाओं के बाद उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा. तो हमने फिक्स कर लिया हर 5 के बाद, या फिक्स इंटरवल कर लिया, मतलब हमने टाइम सेट कर लिया कि हर 5 मिनट बाद करेंगे. अब उस 5 मिनट में कितने रिस्पॉन्स को दे रहा है इससे मतलब नहीं है, हमने समय निश्चित किया कि हर 5 मिनट दिया जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि कम से कम एक बार वो उसमें सही करे.
ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट पे देना है, चाहे वो सही कर रहा है या नहीं भी, कोई उसने बढ़िया काम किया तो उसको फिर गड़बड़ जाएगी सब सेटिंग, है ना। तो रेशियो फिक्स कर लीजिए या तो या इंटरवल फिक्स कर लीजिए कि हर 5 रिस्पॉन्स के बाद देना है या हर 5 मिनट के, मतलब 5 10 15 जो भी आप सेट करना चाहें। उसी तरह से वेरिएबल रेशियो या वेरिएबल इंटरवल, यानी कि यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, रेशियो चेंज हो सकता है कि कभी 2 पे दे दिया, कभी 4 पे दिया, कभी 6 पे दिया, कभी 8 पे दिया, आपका सेटिंग चल रही है। या इंटरवल वेरी कर रहा है, कभी 2 मिनट पे दे रहे हैं, कभी 4 मिनट के बाद रिकॉर्ड दे रहे हैं, कभी 8 मिनट, कभी 6 मिनट, हर बार शर्त सिर्फ इतनी है कि उस 2 मिनट में भी कम से कम एक बार वो सही रिस्पॉन्स पे टेक करेगा या सही रिस्पॉन्स देगा। तो ये इतनी तरीके से घटा बढ़ा कर आप कोई भी डिजायरेबल चेंज अपने ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में ला सकते हैं इन अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग और बीएफ स्किन। ओके, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में 2 कांसेप्ट, टोकन इकोनॉमी और बिहेवियर शेपिंग। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ सेट ऑफ थेरेपीज या टेक्निक्स बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, फॉर एग्जांपल द रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर्स एंड इग्नोरिंग और पनिशिंग अनडिजायर्ड वंस। जैसे कुम्हार घड़े को शेप देता है तो वो क्या कह रहा है कि वो जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसको तो रीइंफोर्स कर दे जाए, और जो इग्नोर किसको करना है, जो अनडिजायरेबल है उसको इग्नोर कर दे जाए, पनिश कर दे जाए, तो वो उसको नहीं करेगा, और जो हम चाहते हैं वो करे, उसको रीइंफोर्स दे देंगे, रीइंफोर्समेंट दे देंगे, हम उसको आगे बढ़ा देंगे। ये इनका कंसेप्ट है। तो इसमें कह रहे हैं टोकन इकोनॉमी, मतलब हर बार आप उसको रिवॉर्ड मत दीजिए, इज अ सिस्टम इन विच टारगेटेड बिहेवियर्स आर रीइंफोर्स्ड विद टोकन, सेकेंडरी रीइंफोर्सर दे दीजिए, मतलब जैसे कह दीजिए कि वो ये देंगे, या जैसे टीचर होता है चेक करता है तो इतने स्टार दे देता है, स्टार में उसने एक्चुअली तो कुछ भी नहीं किया, ना उसने कोई गिफ्ट दिया, ना उसने कुछ क्लैपिंग करवाई, या ना उसने कुछ आपको चॉकलेट दी, लेकिन वो स्टार ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आपको आगे कोई बढ़िया प्राइमरी रीइंफोर्सर भी मिल सकता है ना। तो सेकेंडरी रीइंफोर्सर एंड लेटर एक्सचेंज फॉर रिवॉर्ड्स, या ये कह सकते हैं कि जिसकी कॉपी में इतने स्टार होंगे उसको ये दिया जाएगा, दिक्कतों से ग्रस्त लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत प्रभावी एक मैकेनिज्म के रूप में अपनाया जा सकता है। उसी तरह से बिहेवियर शेपिंग, अ फर्दर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय स्किनर इज द नोशन ऑफ बिहेवियर शेपिंग थ्रू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। उन्हें कह रहे हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये सारे इतने यूनिक नाम है और सब स्किनर से ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़े हुए हैं, हमको याद रखना है। स्किनर आर्ग्यूड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस extremely complex behavior of rewards and punishments delivered in such a way as to encourage an organism closer and closer to the desired behavior each time. यानी कि आपको एकदम देखना है कि कब fixed ratio देना है, कब fixed interval देना है, कब variable ratio, कब variable interval, कब positive reinforcement, कब negative reinforcement, कब positive punishment, कब negative punishment. ये पूरा successive approximation करके आप लगभग लगभग उसको वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं, किसको, organism को, उसके behavior को। ओके, और एक्सटिंक्शन क्या है, द कांसेप्ट व्हिच एक्सप्लेन्स द डिसअपीयरेंस ऑफ लर्निंग रिस्पॉन्स, यानी जो उसने सीखा है, जो बॉन्डिंग बनी, जो एसोसिएशन बना, वो लर्निंग एक्सटिंक्ट हो गया है, वीकन हो गया है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द सिचुएशन, यानी कि हम कभी भी उसको रीइंफोर्स नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे 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 उस व्यवहार को भूल जाएगा। जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर छोड़ रहे हैं। जनरलाइजेशन वही कि वो जनरलाइज कर लेता है कि कहाँ सिमिलर रिस्पॉन्स है, कैसे हमको सिमिलर उसपे वो मिलना है क्या, रीइंफोर्समेंट। और डिस्क्रिमिनेशन में वो अलग करना सीख जाता है, ये अलग है, विभेदीकरण और सामान्यीकरण, साधारण सी बात है, इसको बताने की जरूरत नहीं। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी में वही है कि द कांसेप्ट दैट एक्सप्लेन्स हाउ द रैट इन द स्किनर बॉक्स ऑटोमेटिकली गोस टू press the lever and after being removed from the box for a certain time when the behavior is extinguished is called spontaneous recovery. यही चीज classical condition में भी थी, ऐसा लगता है कि वो behavior वो भूल गया है, लेकिन जब पुनः उसी दशा में रखा जाता है तो automatically उसको press कर देता है, यानी कि spontaneously वो recover कर लेता है, याद आ जाती है उसको पुरानी conditioning या पुरानी learning, ठीक है। और summary, अब हम इसको समराइज करें, सारांश अगर इसका निकालें तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की समरी क्या हो सकती है कि साइकोलॉजी शुड बी सीन एज अ साइंस, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि पूरा सब कुछ कंट्रोल चल रहा है, कंट्रोल कंडीशन है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, इसलिए इसको साइंटिफिक वे में ट्रीट किया जाना चाहिए।
बिहेवियर इज प्राइमरीली कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. सारे बिहेवियरिस्ट कह रहे हैं बिहेवियर का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से लेना देना है, एज अपोज टू इंटरनल इवेंट्स लाइक थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन, मेमोरी, कॉग्निशन से कोई लेना देना नहीं. मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर इज लर्निंग फ्रॉम अवर एनवायरमेंट. और ये कह रहे हैं कि सब कुछ एनवायरमेंट है जो गवर्न करता है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि फ्री विल नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, है ना. There is little difference between the learning that takes place in humans and that in other animals. ये कहते हैं इन्होंने, देखिए चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे वो पैवलॉव हो, चाहे वो स्किनर हो, सब लोग एक्सपेरिमेंट करके किस पे हैं, एनिमल्स पे, और उसको जनरलाइज किस पे कह रहे हैं, ह्यूमन पे. तो ये कह रहे हैं कि बहुत कम अंतर है सीखने में, जैसे एनिमल सीखते हैं और जैसे ह्यूमन बींग सीखते हैं. यही सबसे बड़ा आलोचना का विषय बाद में जाकर बनता है बिहेवियरिज्म के खिलाफ. ओके, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, अगर हम इसकी आलोचनात्मक अगर इसका मूल्यांकन करना चाहें तो क्या पाएंगे, इट कैन एक्सप्लेन अ वाइड वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू एडिक्शन एंड लैंग्वेज एक्विजिशन. यानी कि बहुत तरीके के व्यवहार, सीखने से लेके एडिक्शन से लेके लैंग्वेज एक्विजिशन. आपने अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की का वीडियो याद होगा तो वहां भी आपको बताया कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी वहां भी चलती है. तो इतनी जगह इसका फैलाव है, इतनी जगह इसका एप्लीकेशन है. It also has a practical application that can be applied in classroom में है, prison में है, jail में. jail में क्या कि हमको कौन सा वांछनीय व्यवहार कैदी में चाहिए, तो उसके लिए उसकी प्रेज की जाएगी, तारीफ की जाएगी, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा, और जो व्यवहार नहीं चाहिए उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, तो वो डिजायरेबल बिहेवियर अपने अंदर ले आ देगा. एंड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स, बट इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द रोल ऑफ इनहेरिटेड एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स इन लर्निंग, एंड दस इज एन इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. मतलब बहुत कुछ ये एक्सप्लेन कर पाता है, तब भी ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये कॉग्निशन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, कॉग्निटिव फैक्टर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, इनहेरिटेड लर्निंग नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है. Some psychologists argue we cannot generalize from studies on animals to human. इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनुष्य पर आप वो परिणाम को सामान्यीकरण नहीं कर सकते जो आपने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके पाए हैं.